आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उससे जुड़े हुए हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। जिस प्रकार भारत में वास्तु, ठीक उसी प्रकार चीन में फेंगशुई है। भारत में कुबेर देव धन के देवता हैं, तो चीन में लाफिंग बुद्धा। फेंगशुई की मान्यता है कि घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए भारत में भी काफी लोग अपने घरों में और दुकानों में इनकी मूर्तियां रखते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाफिंग बुद्धा कौन थे। महात्मा बुद्ध के शिष्य थे लाफिंग बुद्धा। महात्मा बुद्ध के कई शिष्यों में से एक थे जापान के हुतेई। मान्यता के अनुसार हुतेई बौद्ध बने और जैसे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था लोगों को हंसाना और सुखी बनाना। हुतेई जहां भी जाते वहां लोगों को हंसाते और लोग उनके साथ काफी खुश रहते थे। इसी कारण जापान में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा यानी कि लाफिंग बुद्धा कहते हैं। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। एक देश से दूसरे देश और अब पूरी दुनिया में उन्हें मानने वाले लोग करोड़ों में हैं। चीन में प्रचलित मान्यता के अनुसार लाफिंग बुद्धा चीनी देवता है। चीन में इन्हें पुताई के नाम से जाना जाता है। वे एक भिक्षुक थे और उन्हें मौज मस्ती करना, घूमना फिरना बहुत पसंद था। वे जहां भी चाहते थे वहां अपना बड़ा सा पेट और विशाल बदन दिखाकर सभी को हंसाते थे। तभी से लोग इन्हें देवता की तरह मानने लगे और इनकी मूर्तियां घर में रखने लगे। फेंगशुई के अनुसार सही जगह पर फेंगशुई बुद्धा मूर्ति रखने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है, जिससे कि सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो फिर चलिए हम आपको बताते हैं कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कहाँ कैसे रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मुख्य दरवाजे के सामने नहीं रखें। लाफिंग बुद्धा को घर या दफ्तर में जहाँ भी रखें इस बात का ध्यान रखें कि उसकी ऊंचाई आपकी आंखों के बराबर तक हो, यानी लाफिंग बुद्धा इस तरह का हो कि आते जाते आपकी नज़र उस पर पड़े। अधिक ऊंचाई या नीचे इसे नहीं रखना चाहिए। जो लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें धन की पोटली ली हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। इससे धन संबंधी कामों में लाभ मिलता है। अगर कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो दोनों हाथों में कमंडल लिए हुए लाफिंग बुद्धा का मूर्ति घर में रखना चाहिए। किसी भी घर में पूर्व दिशा को परिवार की भाग्य और सुख शांति का स्थान कहा जाता है। आप अपने घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ाना चाहते हैं तो एक लाफिंग बुद्धा पूर्व दिशा में रखें जो अपने दोनों हाथों को उठाकर हंस रहे हों। फेंगशुई के नियम के अनुसार लाफिंग बुद्धा को अपने घर में दक्षिण पूर्व दिशा में रखें तो इस दिशा की सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ जाती है जो धन और सुख को आकर्षित करते हैं। घर में रहने वालों की आमदनी बढ़ती है। नौकरी व्यवसाय आपके विरोधी हैं, आपसे परेशान हैं, तो इसमें भी ये राहत दिलाता है। सामान्य तौर पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मिट्टी से बनी होती है, लेकिन आप धातु का लाफिंग बुद्धा भी रख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे व्यक्ति जो कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिनकी निर्णय क्षमता बहुत कमजोर होती है, वे धातु से बने हंसते बुद्धा की प्रतिमा अपने घर या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे आपकी निर्णय क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है लेकिन किसी परीक्षण में साबित नहीं हो पा रहा है कि दरअसल बीमारी क्या है, तो हाथ में वूलिए लाफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के तकिए पास रख देना चाहिए। वो लू लिए जल्द ही जांच में उसकी बीमारी का पता चल जाएगा। वूलू एक प्रकार का चीनी फल है जो पीले रंग का होता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करता है या किसी की बुरी नजर आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है तो आपको ड्रैगन पर बैठे दिव्य शक्तियों के स्वामी लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए।
फिर धन की पोटली अपने कंधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए शुभ माने जाते हैं। वही बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा संतान प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।